डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दर्शन शास्त्री, भारतीय संस्कृति के संवाहक और आस्थावान हिंदू विचारक थे। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। बचपन से किताबें पढ़ने के शौकीन राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। साधारण परिवार में जन्मे राधाकृष्णन का बचपन तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर बीता। उनके पिता वीर समैया उस दौरान तहसीलदार थे। शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफी रुचि रखते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पूरी हुई। स्कूल के दिनों में ही डॉक्टर राधाकृष्णन ने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश कंठस्थ कर लिए थे, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान दिया गया था। कम उम्र में ही राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर को पढ़ा तथा उनके विचारों को आत्मसात भी किया। 1902 में राधाकृष्णन जी ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। क्रिश्चियन कॉलेज में भी उनकी विशेष योग्यता के कारण छात्रवृत्ति प्रदान की। डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1916 में दर्शन शास्त्र में एमए किया और मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में इसी विषय के सहायक प्राध्यापक का पद भी संभाला। राधाकृष्णन के पूर्वज सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में वे तिरुपनी गांव में बस गए। उनके पूर्वज चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्म स्थल के गांव का बोध भी सदैव रहे। इसी कारण सभी परिजन अपने नाम के पूर्व सर्वपल्ली लगाने लगे। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों में कम उम्र में ही विवाह हो जाता था। 1903 में मात्र 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह दूर के रिश्ते की बहन शिवा कामू के साथ संपन्न हो गया। उस समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष थी, अतः 3 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी ने उनके साथ रहना आरंभ किया। 1908 में राधा कृष्णन दंपति को संतान के रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई तथा कला स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और दर्शन शास्त्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की। भारत की आज़ादी के बाद यूनेस्को में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया। 1949 से लेकर 1952 तक राधाकृष्णन सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। वर्ष 1952 में उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। सन 1954 में उन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात 1962 में उन्हें देश का दूसरा राष्ट्रपति चुना गया। राधाकृष्णन जी को स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्मातृ सभा का सदस्य भी बनाया गया। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राधाकृष्णन जी को वर्ष 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का निधन 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद हो गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पटु वक्ता थे। इनके व्याख्यानों से पूरी दुनिया के लोग प्रभावित थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष शिक्षक के रूप में व्यतीत किए। शिक्षक समाज का ऐसा शिल्पकार होता है जो न सिर्फ किताबी ज्ञान देता है बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से छात्रों को परिचित भी कराता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वयं एक बेहतरीन शिक्षक थे। उनके जन्म दिवस 5 सितंबर के उपलक्ष्य में ही शिक्षक दिवस मनाकर उन्हें सम्मान व्यक्त किया जाता है। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके।
किताबें पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है। ऐसे बहुमूल्य विचारों वाले महान व्यक्तित्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मेरा शत शत नमन।